हर किस्म के फ्री लेक्चर्स के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल साहिल ऑर्गेनाइजेशन। आज हमारी क्लास है इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास। इंग्लिश लैंग्वेज में आज हमारे पास सबसे पहले क्या है? सबसे पहले आप क्या करेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज की शीट ओपन कर लेंगे। हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे पहले है ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन के अंदर हमारे पास टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होते हैं? डेफिनेशन: वी यूज फ्यूचर परफेक्ट टेंस टू डिफाइन दैट इन फ्यूचर एट सम स्पेसिफिक टाइम एन एक्शन विल हैव जस्ट फिनिश्ड। फ्यूचर परफेक्ट टेंस उस चीज़ को शो करता है कि आगे मुस्तकबिल में जाकर कोई काम शुरू हुआ और वो मुकम्मल हो चुका होगा, उसके लिए आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी कि मुस्तकबिल में कोई काम किसी वक्त में स्टार्ट हुआ और कंप्लीट हो चुका हो तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मेशंस देखें: अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब विद थर्ड फॉर्म प्लस कॉम्प्लीमेंट। नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस वॉन्ट हैव प्लस वर्ब विद थर्ड फॉर्म प्लस कॉम्प्लीमेंट। इंटरोगेटिव, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब विद थर्ड फॉर्म प्लस कॉम्प्लीमेंट। इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव, वॉन्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब विद थर्ड फॉर्म प्लस कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद एग्जाम्पल्स देखें: अफर्मेटिव, बॉयज विल हैव वॉन द मैच, लड़के मैच जीत चुके होंगे। टीचर विल हैव फिनिश द क्लास, टीचर क्लास ख़त्म कर चुकी होगी। बॉयज विल नॉट हैव वॉन द मैच, लड़के मैच नहीं जीत चुके होंगे। टीचर विल नॉट हैव फिनिश द क्लास, टीचर क्लास नहीं ख़त्म कर चुकी होगी। इंटरोगेटिव, विल बॉयज हैव वॉन द मैच, क्या लड़के मैच जीत चुके होंगे। विल टीचर हैव फिनिश द क्लास, क्या टीचर क्लास ख़त्म कर चुकी होगी। नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव, वॉन्ट बॉयज हैव वॉन द मैच, क्या लड़के मैच नहीं जीत चुके होंगे। वॉन्ट टीचर हैव फिनिश द क्लास, क्या टीचर क्लास ख़त्म नहीं कर चुकी होगी। फिर आपके पास एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज के अंदर कन्वर्ट द फ्यूचर परफेक्ट टेंस, आपके पास ब्लैंक्स हैं, सेंटेंसेस हैं जिनको आपने फ्यूचर परफेक्ट में चेंज करना है। ठीक है, यानी कि आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है जो कि विल हैव है, और जो आपको फर्स्ट फॉर्म दी गई है ब्रैकेट के अंदर उसे थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। अब सबसे पहली ब्लैंक हमारे पास क्या है? यू डैश अ न्यू चेयर, तुम नई चेयर खरीद चुके होगे। यू विल हैव बना चुके होगी, सॉरी मैक है बना चुके होगी। यू विल हैव मैड अ न्यू चेयर। सेकेंड एग्जाम्पल, आई डैश अ कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर खरीद चुकी होंगी। आई विल हैव बाउट अ कंप्यूटर, अगर हम इसका नेगेटिव बनाते हैं तो हम कहेंगे आई वॉन्ट हैव बाउट अ कंप्यूटर। इंटरोगेटिव होगा तो विल आई हैव बाउट अ कंप्यूटर। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव होगा तो Want I have bought a computer. आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं अपने सेंटेंसेस को। थर्ड है, यू डैश अ जॉब, तुम नई नौकरी शुरू कर चुके होगे। यू विल हैव स्टार्टेड अ जॉब। फोर्थ है, आई डैश दिस बुक, मैं ये बुक ख़त्म कर चुकी होंगी। आई विल हैव फिनिश दिस बुक। लास्ट है, द रेन डैश स्टॉप, बारिश रुक चुकी होगी। द रेन विल हैव स्टॉप्ड। ठीक है, तो आपके ये ग्रामर सेक्शन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रक्चर सेक्शन। स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या है? यूज ऑफ कीप इन टच विद, के साथ रबते में रहना। फॉर्मेशन, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस कीप इन टच विद प्लस कॉम्प्लीमेंट। एग्जांपल्स, दे शुड कीप इन टच विद टीचर्स, उन्हें अपने टीचर्स के साथ रबते में रहना चाहिए। शी हैज़ टू कीप इन टच विद हर फ्रेंड्स, उसे अपने दोस्तों के साथ रबते में रहना पड़ता है। यू मस्ट कीप इन टच विद योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने वालदेन के साथ रबते में तुम्हारा अपने वालदेन के साथ रबते में रहना ज़रूरी है। तो आपका ये स्ट्रक्चर सेक्शन भी कम्प्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास है वोकैबुलरी सेक्शन। अब वोकैबुलरी में हमारे पास क्या है? टिप टॉय, दबे पाँव चलना।
ही टिप्ड इन द बेडरूम, वो कमरे के अंदर दबे पांव चल चल रहा था, ये चल कर आया। रेस्ट्रेन, रोके रखना। आई कुडंट रेस्ट्रेन एंगर, मैं अपने गुस्से को नहीं रोक सकी। सैंपल, नमूना। दिस इज अ सैंपल ऑफ हिज प्रोडक्ट, ये उसके प्रोडक्ट का एक नमूना है। सिचुएशन, सूरत हाल। ही वॉज इन डिफिकल्ट सिचुएशन, वो मुश्किल सूरत हाल में था। टैलेंट, सलाहियत। अहमद हैज़ अ टैलेंट फॉर ड्राइंग, अहमद में ड्राइंग करने की सलाहियत मौजूद है। आपका वोकैबलरी सेक्शन भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट सेक्शन में हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट है, उसे तो बात करना नहीं आती। ही डजेंट नो इवन हाउ टू टॉक। क्या तुम मुझे पागल समझते हो? डू यू टेक मी फॉर मैड? मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। आई नो यू वेरी वेल। आप वहाँ कितने लोग हैं? हाउ मैनी पीपल आर देयर? मैंने कुछ नहीं किया। आई हैव नॉट डन एनी थिंग। ये मेरी किताब है, दिस इज माई बुक। आपका स्टेटमेंट सेक्शन भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्या है? कॉन्वर्सेशन सेक्शन। कॉन्वर्सेशन के अंदर हमारे पास डायलॉग्स हैं। फर्स्ट डायलॉग है, आई वॉन्ट टू एक्सचेंज दिस डीवीडी प्लेयर, मैं इस डीवीडी प्लेयर को चेंज करवाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। नो प्रॉब्लम, डू यू हैव योर रिसिप्ट? कोई मसला नहीं, क्या आपके पास आपकी रसीद है? दैट्स वन थिंग आई नेवर फॉरगेट, यही तो एक चीज़ है जो मैं कभी नहीं भूलता या भूलती। नाउ व्हाट सीम्स टू बी द प्रॉब्लम, अब बताएं कि इसमें क्या मसला नज़र आ रहा है। दिस डीवीडी प्लेयर वॉन्ट प्ले डीवीडीज, ये डीवीडी प्लेयर डीवीडीज को नहीं चला रहा। ओके, इफ दिस वन डजेंट वर्क जस्ट ब्रिंग इट बैक, ठीक है अगर ये वाला काम ना करे तो फिर इसको भी वापस ले आइएगा। तो आपका कॉन्वर्सेशन सेक्शन भी कंप्लीट हो गया है। द शीट इज ओवर। मजीद फ्री लेक्चर्स के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल साहिल ऑर्गेनाइजेशन।